नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टिकी और स्वागत है आपको मेरे चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो ये मेरा राखी स्पेशल वीडियो है। तो मेरा वीडियो ऐसा ही होता है जैसे कि प्रैक्टिकली मैं जो कुछ भी करती हूं वही चीज़ आपसे शेयर करती हूं, तो अलग से कुछ नहीं। तो देखिए, इस बार के राखी में मैं अभी भाई लोगों के लिए भेजने के लिए मैं पैक कर रही हूँ। सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा मेरा जो आइडिया है, मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, शायद आप लोगों के भी कुछ काम में आ जाए अगर आपको पसंद आए आइडिया। तो चलिए, मैंने कुछ इस तरह का तैयारी की हूँ। तो देखिए, ये मैं लेके आई हूँ, मेरे दो भाई हैं, मुझे दूर भेजना है अलग अलग जगह पर। तो मैं लेके आई हूँ ये कुर्ता से। तो कुर्ता पायजामा, आप चाहे तो कुछ और अलग से ड्रेसेस या कुछ वॉच वगैरह या फिर और कुछ कप वगैरह आता है, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो फोटो फ्रेम, अपना फ़ोटो और भाई का फ़ोटो, कुछ इस तरह का चीज़ भी आप कर सकते हो। तो इस बार मैंने कुछ इस तरह का सोचा, हर बार नहीं हो पाता था, लेकिन मैं इस बार मुझे लगा कि मैं कुछ भेजूं भाई लोगों के लिए। काफ़ी गैप हो जाता है, हम लोग चाहते हैं भाई लोगों के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे, लेकिन हो नहीं पाता है, अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ये अच्छा मौका है तो उनको देने के लिए। तो चलिए, तो ये तो हो गया। तो एक्चुअली देखिए, इसी पैक के अंदर, इसी डिब्बा के अंदर ही मुझे सब कुछ अरेंज करके भेजना है। तो मैंने क्या क्या सोचा है, इसमें तो हो गया ड्रेस, ये तो पूरा पैक हो गया है। इसके अंदर फॉर्म है, तो मैं फॉर्म वगैरह निकाल दूंगी। और क्या कुछ रहने वाला है देखिए, तो इसमें एक मैं राखी वाला थाल सजाऊंगी। तो ये लेके आई हूँ, मैंने सोचा था थर्माकोल का कुछ उसे रैप करके कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के ऐसे बनाऊँ, लेकिन ये देखिए मैंने जब शॉप में जाके देखा तो ये कुछ अलग तरीके से आया है। डिस्पोजेबल है लेकिन केले के छिलका से बना है, ये कितना सुंदर दिखता है ऐसे रियल में। तो क्यों ना इसको ही मैं इसका ही कुछ बना लूँ और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ तामझाम ना करूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी देखिए, ये भी डिस्पोजेबल है, ये गन्ने की छिलके से बना हुआ है, ये भी काफ़ी सुंदर है, इसके साथ मैच हो जा रहा है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने इसको ले आई, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, इसके अंदर ये नहीं रहने वाला। तो इसको मुझे काट कूट के थोड़ा इसके शेप के अंदर, जैसे इसके अंदर रह जाए। और कितना हाइट हो रहा है देखिए, इतना हाइट हो रहा है, तो इतना हाइट का मुझे इसके अंदर एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि ये जो है कटोरा भी मुझे इसके ऊपर सेट करना है ग्लू गन के मदद से, जो कुछ भी करूँगी। तो इसके अंदर और मुझे जो भी आपका मनपसंद मिठाई, जो कुछ भी आप भेजना चाहते हो, चॉकलेट्स हो गया, मिठाई हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो मैं क्या रखूँगी मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ और लास्ट में पैक करते टाइम मैं दिखा भी दूँगी आपको। और ये सब तरीके तो मैं तो डिस्क्राइब कर ही रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ, सब कुछ मैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, मतलब कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, बस आपको आइडिया दे रही हूँ। देखिए, इसमें चिपकाऊँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स रहेगा, मिठाई वगैरह जो कुछ भी रहेगा। और इसके अंदर ये देखिए, ये मैं लाई हूँ भैया भाभी के लिए राखी है, इसमें तो जोड़ा है, तो एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा। और भाभी के लिए, भैया के लिए तो गिफ्ट हो गया, अभी भाभी के लिए क्या भेजना है देखिए, मैं ये ले आई हूँ मंगलसूत्र। इससे ज़्यादा तो सुहागन की निशानी कुछ हो नहीं सकती है, तो भाभी लोग के लिए तो 100% पसंद ही आएगा। आप चूड़ी भेज सकते हैं, सिंदूर भेज सकते हैं, या आप चाहो तो उनके लिए और भी, मतलब भैया के साथ भाभियों के लिए भी साड़ी वगैरह भेज सकते हो, लेकिन ये पैक करके भेजना काफ़ी दिक्कत की बात है। तो वैसे भी भाभी लोग के लिए कुछ ना कुछ हम बीच बीच में, मतलब खरीदना अच्छा लगता है, लेकिन भाई लोगों के लिए कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम लोग कुछ दे पाए। तो चलिए, ये अच्छा बहाना है, ये हो गया भाभी लोग के लिए, ये भी इसमें रहेगा। और थाल में और कुछ क्या, हम हल्दी चावल, सिंदूर, ये सब भी रखेंगे, दिया भी रखेंगे। तो चलिए, बाद में मैं ये सब आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने ये खरीद के तो ले आई राखी, लेकिन मेरा मन जो है नहीं मानता है। तो ये देखिए, मैंने खुद से बनाया हुआ है राखी, इसमें मैं सिर्फ डोरी ऐड करूंगी,
और इसमें से भी एक एक मैं भाई लोगों के लिए भेजूंगी, ठीक है। बस इतना हो गया, उसके बाद क्या क्या रखने वाली हूँ, कैसे सजाने वाली हूँ ये तो बता दी, और बाद में जब मैं फाइनली सजाऊंगी वो भी आपको दिखा के सजाऊंगी। चलिए अभी काम पे थोड़ा लग जाते हैं। राखी का वो जो थाल बनाना है वो थोड़ा झंझट का काम है, वो बन जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करूँगी। चलिए तो चलिए फटाफट से राखी वाला थाल भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोली थी उस डिब्बे के अंदर जैसे रेप है उस सेप में मैंने काट लिया और उसके ऊपर रेड वेलवेट कपड़ा एक चिपका दिया और उसके बाद कुछ गोल्डन मोती और लेसेस के मदद से मैं चारों तरफ बॉर्डर कर रही हूँ। तो ये बस हो गया, डबल लेस में दे रही हूँ थोड़ा हार्ड रहने के लिए उसका बॉर्डर। और ये कटोरे का काम भी देखिए, जो शर्ट के अंदर से निकला था वो स्पॉन्ज को मैंने कुछ इस तरह से यूज़ कर लिया, डिवाइड करके थोड़ा उसको ऐसे कर लिया और इसमें भर लिया ड्राई फ्रूट। तो देखिए तो इसको मैं अच्छे से जरी की मदद से और सेलो टेप की मदद से अच्छे से सील कर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और कुछ दिन रहना भी है। ये देखिए ये हमारा थाल बनके तैयार हो गया। देखिए थोड़ा सा ये गम वगैरह लगा हुआ है। देखिए ये हमारा थाल बन गया। थाल को अभी हम सजा लेते हैं। देखिए इसके अंदर रहता है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो अभी ये आराम से इसके अंदर रह जाएगा। रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका देखेंगे। ये देखिए ये थाल में सबसे पहले मैंने रख लिया, ये देखिए भाभी का मंगलसूत्र, ये राखी मैंने हाथ से जो बनाया था राखी ये भी इसके अंदर डाल दिया है मैंने। ये रह गया हमारा राखी, इसमें भी अंदर रख दिया है। तो ये हमारा राखी रह गया और ये है देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स, ये काजू आलमंड और ये किशमिश मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड करके तो कुछ इस तरह से भरा हुआ है। तो देखिए मैंने जरी से सील करके कुछ इस तरह से बना लिया है। तो देखिए काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये रखेंगे हम, ये रख देंगे हम यहाँ पर, हो गया। और ये हो गया देखिए, ये सिंदूर मैंने एक जीप जाप छोटा छोटा पॉलीथीन लाके कुछ इस तरह से, ये हल्दी वाला चावल तो काफ़ी शुभ माना जाता है तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया है क्योंकि खुले में मैं कुछ अरेंज करके देती तो ये चारों तरफ फैल जाता, तो जब बांधना होगा तो इसमें डाल के तो बांधेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह रख दिया, यहाँ पे भी दो ठो। और अभी बाकी रह गया ये दिया, दिया को भी मैंने देखिए छोटा दिया है तो घी और बत्ती सब सजा के इसमें भी ये सील वाला पॉलीथीन में डाल के कुछ इस तरह से ऐसे रख दिया है। तो ये भी हो गया, ये हमारा भी थाल सज गया। तो इसको भी ऐसे खुले में ना रख के मैं कुछ जरी से सील कर दूंगी, कुछ रैप कर दूंगी, थोड़ा सुंदर दिखेगा। ये देखिए मैंने जरी से सील कर दिया है, अभी कुछ भी नहीं गिरने वाला, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन कहीं बिखरेगा नहीं। तो देखिए अभी हम ऐसे रख देंगे। तो मैंने इसका फॉर्म निकाल लिया है, थोड़ा स्पेस बन गया था और ये कलर का पार्ट है इसे छोड़ के इस तरफ थोड़ा जगह ज़्यादा है तो ये कटोरी भी आराम से रह जाता है। तो देखिए अभी ढक्कन लगा के भी देख लेते हैं। देखिए आराम से पैक हो जाएगा, सब कुछ रह गया इसमें। तो अभी इसको जैसे कवर करके भेजना है मैं भेज दूंगी। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी राखी।